देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मुझे जाना होगा। नहीं भैया, नहीं होगा भैया, मुझे जाना होगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, आप सब यही रुकिए, हम आते। डेविड इसी फिराक में था कि चाल के कुछ लोग निकले और उसे गोली मार दिया। अब पता नहीं कौन मरेगा कौन बचेगा। हाँ? नहीं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, उनको कुछ नहीं होगा। कहा था ना, चौल से कोई बाहर नहीं जाएगा। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, ऐसा मत कीजिए दरोगा साहब। मेरी पत्नी को कुछ भी मत कीजिए, इसकी कोई गलती नहीं। इसमें इसने जो कुछ भी किया है सिर्फ मेरी वजह से किया है। दरोगा साहब, इसे कुछ मत कीजिए, बात छोड़ रहा हूँ आपके सामने। तुम पति पत्नी मिलकर ये प्रेम वाली कहानी मत सुनाओ। दरोगा साहब, बात को समझिए, मेरे पति बीमार हैं, इन्हें रोज दवाई खानी होती है। एक दिन भी अगर दवाई नहीं खाई तो इनकी हालत खराब हो जाती, मर जाएंगे ये। बात को समझिए, हमें जाने दीजिए दरोगा साहब। मैं और लक्ष्मी आदर्श पति पत्नी नहीं है। तुम दोनों रहो और मुझे माफ करो। लक्ष्मी चलो। आरती जी, हमें माफ कर दीजिएगा, आज शाम के इस भोज में हम शामिल नहीं हो पाएंगे। भीम का तरीका मुझे समझ में नहीं आता और मैं और लक्ष्मी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। जाओ और जाकर भीम को कह देना। मतलब आनंद भैया की तबीयत खराब थी, इसलिए वो दोनों हमसे कट्टे कट्टे से रहने लगे थे। इतनी बड़ी बात दोनों ने हमसे छुपाई। हमेशा से ही आनंद ऐसा ही रहा है, अब तो लक्ष्मी भी वैसी ही हो गई है, वो भी हमसे बातें छुपाने लगी है। चौल से बाहर आकर तो कानून का उल्लंघन तुम दोनों ने किया है, तो दोनों को गोली मार देते। नहीं दरोगा साहब, अपनी मनमानी को कानून का नाम मत दीजिए। दरोगा साहब, कानून किसी की व्यक्तिगत इच्छा के आधार पर नहीं चलता। डेविड सर ने कह दिया और आपने मान लिया। कानून बहुत समझदार लोगों द्वारा लिखित दस्तावेज होता है, जिसमें समझदार लोगों की दूरदर्शिता होती है, ना कि किसी की व्यक्तिगत खीस। इसलिए सिर्फ कानून का नाम देकर आप किसी पर गोली चला के उन्हें मार नहीं सकते। भीमराव, देखो कैसा है कि गोली मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत आसे है इन सब का। फिर कानूनी डायरी में बताएंगे कि ये भागते वक्त इनका एनकाउंटर हो गया और सब मारे गए, और गवाही हम देंगे
स्वयं गवाही दूंगा कि ये सारे लोग कानून का उल्लंघन कर रहे थे, तो कानून की रक्षा के लिए इन्हें गोली मार दी गई। रुक जाइए। भीम और रमा की गलती है इसमें, बाकी किसी की कोई गलती नहीं है। हम दोनों को गोली मार दीजिए, इन सबको जाने दीजिए, आपका बदला पूरा हो जाएगा। ताकि इन सबको बचा के तुम दोनों ग्रेट बन जाए, ये मौका मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैं भी चालाक हूँ। क्यों भीमराव, सही कहा ना? नरोत्तम, हाँ, तुमने शायद गौर नहीं किया कि इतना सब कुछ हो गया, मगर ये भीमराव, इसने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे पता है कि इसने कुछ क्यों नहीं बोला। क्यों? गला सूख गया होगा बेचारे का। डेविड जी, मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। पापा, नहीं नहीं सर, आप मेरी जान ले लीजिए, पर सबको जाने दीजिए। इसके बाद आपके रास्ते में कोई नहीं आएगा। नहीं नहीं आनंद, देखिए मैं पूरे परिवार को सातारा भेज दूंगी, बदले में मुझे मार दीजिए और इन सबको छोड़ दीजिए। इमरा, मरोगे तो सब साथ में, और मरने से पहले कुछ नहीं बोलोगे। बोलो कुछ भीमराव, जीवन भर बोलते रहे, मरने से पहले तो कुछ बोलो। बोलो बोलो। बोलता हूँ डेविड सर। कभी कभी व्यक्ति का अहंकार इतना बड़ा बन जाता है कि उस व्यक्ति को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत महसूस नहीं होती। मुझे लगता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जरा पीछे मुड़कर तो देखिए। okay. शुभा, शुभा का बच्चा और ये आदमी, ये बचाएगा तुम्हें बंदूकधारी सिपाहियों से। जिन्हें आप आदमी आदमी करके पुकार रहे हैं, उनके हाथ में जरा देखिए क्या है। उनके हाथ में कॉपी और कलम है, और आप तो जानते ही होंगे कि कलम की ताकत हमेशा से तलवार या बंदूक से ज्यादा रही है। आपकी भाषा में कहा जाए तो द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। क्या कर लेगा ये? मैं द बॉम्बे क्रॉनिकल का सब एडिटर। अगर आप सबने यहां पे कुछ भी किया तो ये कल के अखबार में छप जाएगा, और फिर आपका क्या होगा ये आप खुद सोच लीजिए। मैं नहीं डरता किसी भी अखबार से। शायद आप मेहता सर को जानते नहीं हैं। सर फिरोज शाह मेहता, उन्हीं का अखबार है ये द बॉम्बे क्रॉनिकल। आप अगर जानते नहीं हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने वरिष्ठ अधिकारी से पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे मेहता सर के बारे में अच्छे से। डेविड सर, ये मेहता साहब बहुत बड़े व्यक्ति हैं। इनकी पहुंच कॉर्नर तक है। देख लेंगे जो भी मेहता सर हो गए। फिलहाल चलाओ गोली। सॉरी सर, बंदूक नीचे करो। What, sorry?
बेवकूफ़ तलाक वाले। सॉरी सर, सॉरी सर। फायर! धन्यवाद, मैं अभी चलता हूं। जोशी जी, अब गला नहीं सूख रहा? प्यास नहीं लग रही है क्या? चाहिए? अपना समय क्यों बर्बाद कर? और नरोत्तम जोशी जी, अब तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से हम सबको परेशान करने की रणनीति पर काम करना होगा, क्योंकि अब भीम और रमा के साथ अब दीपक भी आप सबकी योजना की काट निकाल लेता है। दीपक नहीं आई? भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है, और जिस जिसके दिमाग में भीमराव अंबेडकर जैसे विचार है वो सब भीमराव है, और एक दिन पूरी दुनिया भीमराव अंबेडकर बनेगी। जनार्दन, जोखू, भीम और उसके परिवार वाले गए, बहुत समय हो गया, पता नहीं क्या हुआ होगा उनके साथ। अरे कुछ नहीं हुआ होगा, हर बार तुम लोग यही सोचते हो ना कि भीम के साथ कुछ बुरा होगा, मगर होता नहीं है, और इस बार भी कुछ नहीं होगा, समझे? भीम अपने परिवार के साथ सही सलामत आएगा। अरे वो तो खबर आएगी तब पता चलेगा, हैं? खबर आ गई समझो। अब देखते हैं कि भीमराव को कौन बचाएगा। मैं बचाऊंगा भीमराव को। मेरे होते हुए मेरे भीम भैया को कुछ नहीं हो सकता। देखिए आ रहे मेरे भीम भैया। लेकिन दीपक, तुमने कैसे बचाया इन सब लोगों को, और डेविड और दरोगा वो सब कहाँ हैं? याद है नंदू काका, भीम भैया ने बताया था कि मेहता साहब अखबार चलाते हैं, और अखबार में बड़ी ताकत होती है, इसलिए चाल से जब सब लोग लक्ष्मी ताई के पीछे गए तो मैं भाग के मेहता साहब के ऑफिस की तरफ गया, और वहाँ से उस अखबार के सह संपादक आए और सबको छुड़ा लिए। और रितेश भाऊ, इस बार भी तुम सब जो सोच रहे थे वो नहीं हुआ। मनोहर भाऊ वो सब छोड़िए, ये पानी की समस्या अभी भी वैसी ही है, उसका क्या करें?
लेकिन हम सब चाल से बाहर तो निकल सकते हैं ना। अपना अपना घड़ा बाल्टी लेकर जाएंगे और कहीं ना कहीं से पानी भर के लेके आएंगे। आप सब तैयारी कीजिए, मैं अभी आता हूं। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया ना कि बाहर मत जाओ, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो। अब शांत हो जाइए, बैठिए। लक्ष्मी बैठिए। कैसे नहीं जाती, आपकी दवा के लिए पानी की जरूरत थी, और अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? और मेरा आप दोनों को कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? इतनी बड़ी बात आपने छुपाई हम सबसे, क्यों? मुझे इस विषय पे बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहां से। क्या अब मेरा इतना भी हक नहीं है आनंद भैया कि मैं आपके दुखों को बांट सकूं? आपके दुख में आपके साथ खड़ा हो सकूं? देखो भी, मैं तुम्हारा हक नहीं मानता, इसलिए बेहतर है कि तुम यहां से अभी चले जाओ। बचपन में जब आपका सर दर्द करता था तब ढूंढ ढूंढ कर बुलाते थे मुझे, कहते थे कि भीम जरा सर दबा दे, तू सर दबाता है तो आराम मिलता है। हम बड़े क्या हो गए आनंद भैया, और आपने तो इस भीम को याद करना ही बंद किया। ठीक है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिएगा, आप मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकते, और अगर आपने छीन भी लिया तब भी मैं इस परिस्थिति में आपको अकेला छोड़ के यहां से जाने वाला नहीं हूं। बताइए लक्ष्मी भाभी, क्या कहा डॉक्टर ने? मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। जनार्दन, योखू, अब इन दोनों भाइयों में क्या हो रहा है? हितेश भाऊ, दोनों भाइयों की बात है, दोनों भाई आपस में सुलझा लेंगे। अरे सुलझा लेंगे वो तो ठीक है, लेकिन भावा का सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरे बेटे अब बड़े हो गए हैं, सुलझा लेंगे आपस में। अच्छा, बाबा जो अभी नीचे कह रहे हैं ना, मेरे बेटे बड़े हो गए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो असल में क्या कहना चाहते थे? वो ये कहना चाहते थे कि मैं अभी बूढ़ा हो गया हूं, और एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटों को यही कहकर सुनाता है कि तुम अभी बड़े हो गए हो तो अपने फैसले खुद करो। इसीलिए कह रहा हूं आनंद भैया, बताइए मुझे क्या कहा डॉक्टर ने? मैंने कहा ना भीम, यह हमारा मसला है और मैं और लक्ष्मी मिलकर इसे हल कर लेंगे, तुम जाओ यहां से। ठीक है,
जाता हूं मैं, मगर जाने से पहले रमा की कसम खाकर कहता हूं, अगर मैं अभी यहां से चला गया ना आनंद भैया, तो जिंदगी भर बात तक नहीं करूंगा आपसे।